किड्यान सपनों की उड़ान। तिरंगा, जिसे देखकर हर भारतीय देश प्रेम से भर उठता है। आज की कहानी उस व्यक्ति की है जिन्होंने तिरंगे की अवधारणा को जन्म दिया था। ये कहानी है पिंगली वेंकैया की। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जन्मे पिंगली वेंकैया हाईस्कूल पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोलंबो चले गए। उन्हें उर्दू और जापानी समेत कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। यही नहीं, पिंगली वेंकैया को हीरे के खनन में भी विशेषज्ञता हासिल थी। इसी वजह से उन्हें डायमंड वेंकैया नाम दिया गया था। पिंगली दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान महात्मा गांधी से मिले और उनकी प्रेरणा से स्वतंत्रता सेनानी बन गए। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में कई झंडे बनाए गए, मगर उनमें से कोई भी राष्ट्रध्वज का रूप नहीं ले सका। 1916 से 21 के बीच पिंगली वेंकैया ने कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज पर काफी गहराई से शोध किया और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की अपनी संकल्पना पेश की। उसमें दो रंग, लाल और हरा, क्रमशः हिंदू और मुस्लिम दो प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। बाकी समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए महात्मा गांधी ने उसमें सफेद पट्टी का समावेश करने के साथ राष्ट्र की प्रगति के सूचक के रूप में चरखे को शामिल करने की बात कही। इसके बाद साल 1931 में राष्ट्रध्वज की दिशा में अहम फैसला हुआ और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें मामूली संशोधनों के साथ लाल रंग का स्थान केसरिया ने ले लिया। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। बदलाव के तौर पर बस इतना हुआ कि ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को दिखाया गया और आजादी के बाद यही तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बना। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया ने अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले स्वाधीनता सेनानी को झंडा वेंकैया का भी नाम दिया गया।